पल्ली कविंकर एहि कालजयी कविता आजि भी ओडिसार घरे घरे सुपरिचित। पल्ली कवि नंदकिशोर बळ एकाधारे कवि, शिशु साहित्यिक, प्राबंधिक, उपन्यासिक, आदर्श शिक्षक ओ समाज संस्कारक। से निज रचनारे पल्ली जीवनर निखुण चित्रकु एभळी भाषारे वर्णना करिथिले जहाँ पाठक मनरे पल्लीर छवि को जीवंत करि देउथिला। ओडिसार गांगंडार प्राकृतिक परिवेश उपरे तांकर अधिकांश कविता पर्यवेसित, सेथिपाई तांकु मिलिछि पल्ली कविर आख्या। केवल सारस्वत साधना नुहे, समाज रे कुसंस्कार दूर पाई तांकर उद्यम मध्य थिला बेस उल्लेखनीय। 22 डिसेंबर 1875 रे कटक जिलार महांगा ब्लक कुसुपुर गाँव में पल्ली कवि नंदकिशोर बळंक जन्म। तांक पिलादिनर नाँ थिला रसानंद जेना। तेबे पिउसी घर को पुओ होइजिबा परे से परिचित होइथिले नंदकिशोर बळ नाँ रे। गाँ स्कूल रु प्रारंभिक शिक्षा परे रेभेन्सा कलेजिएट स्कूल रे हाई स्कूल शिक्षा और रेभेन्सा महाविद्यालय रे उच्च शिक्षा हासिल करिथिले पल्ली कवि। एहा परे भक्त कवि मधुसूदन राव को द्वारा प्रतिष्ठित कटक टाउन स्कूल रु आरंभ होइथिला तांकर चाकरी जीवन। से शिक्षा विभाग वरिष्ठ अधिकारी भावरे मध्य दायित्व निर्वाह करिथिले। तेबे बारंबार असुस्थता कारण चाकरी जीवन अवसर ने गाँ को फेरी जाइथिले नंदकिशोर। 1924 रे इंग्रेज सरकार के ठारु तांकु राय बहादुर उपाधि मिलिथिला। पल्ली कविंक लेखनी मनरु सृष्टि होइछि अनेक काव्य, कविता, शिशु साहित्य ओ उपन्यास जेउगुडिक आजि भी ओडिसार जनमानसरे बेस आदृत। तांक द्वारा रचित बहु कविता विद्यालय पाठ्यपुस्तकरे स्थानित होइछि। पल्ली कविंकर सृष्टि भितरे निर्झरिणी, बसंत कोकिल, नानाबाया गीत, प्रभात संगीत, विरूपा, पल्ली चित्र, निर्माल्य और जन्मभूमि आदि गीति कविता खूब लोकप्रिय। सेहिपरि तांक द्वारा रचित काव्य भितरे सीता बनवास, कृष्ण कुमारी, शर्मिष्ठा, तरंगिणी और चारुचित्र आदि काव्य खूब पाठकीय आदृति लाभ करिपारिछि। केवल पल्ली जीवन को नेर साहित्य सृष्टि नथिला। जौतुक परि सामाजिक व्याधि विरोधरे से कनकलता नामक उपन्यास रचना करिथिले। से समयर सामाजिक व्यवस्था, कुसंस्कार ओ नारी प्रति थिबा विद्वेष भाव को से अनुभव करिथिले। स्वभाव सुलभ ढंगरे निज रचनारे समाज संस्कार पाई से बहु उद्यम करिथिले। उत्कल मातार एही सुजोग्य संतान 1 जुलाई 1928 मसीहारे इहलीला संवरण करिथिले। पल्ली कवि नाहंती सत, किंतु तांकर कालजयी रचना सबुदिन पाई ओडिया साहित्य को समृद्ध करिछि। जयंती अवसर रे ओडिशा माटीर एही बरपुत्रंकु अर्गस न्यूज्र विनम्र श्रद्धांजलि।